हिंद, आज हम बात करेंगे जो IIT इंदौर में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई है, ये पब्लिश हुई है 22/11/2022 को। और अब हम बात करें कि इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, लगभग 9 वैकेंसी आई हुई हैं, लेकिन जो फार्मा स्टूडेंट की है वो एक फार्मासिस्ट की है। बाकी यदि आप अदर स्ट्रीम के हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर की भी आई हुई है इसमें, सिविल इंजीनियरिंग की आई है, स्टाफ नर्स की आई है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की आई हुई है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की है, डिप्टी इंजीनियर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर असिस्टेंट, तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे फार्मासिस्ट की। तो आप देख सकते हैं, जो 8वें नंबर पे इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और अनरिजर्व्ड की, ओनली एक पोस्ट है इसमें अनरिजर्व्ड की, बाकी SC ST OBC की नहीं है। तो टोटल वन पोस्ट है। और इसका पे लेवल की बात करें तो ये लेवल 5 की जॉब है, मतलब 29,200 इसकी बेसिक सैलरी होगी। फिर TA DA जो भी अलाउंसेस होते हैं जो डिसाइड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो आपको मिलेंगे। अच्छा, इसकी एक बात अच्छी है कि इसमें जो होगा ये ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई स्टेट लेवल की नहीं है, तो इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि ये कब से स्टार्ट होगी, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखे हुए द एप्लीकेशन मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड एट इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.iit टिल 22/12/2022, मतलब 22 तारीख तक आप इसको भर सकते हैं। और द रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फ्रॉम सेल बी सबमिटेड टू द इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, वो आपको 29/12/2022 तक इंस्टीट्यूट में भेजना है, मतलब IIT को आपको भेजना है। अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी, मतलब इसमें कौन कौन सी डिग्री या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये फार्मासिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें कि इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ रिलीवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर आफ्टर डिप्लोमा एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, मतलब इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आफ्टर डिप्लोमा मतलब आपने जब कंप्लीट कर लिया उसके बाद होना चाहिए। और एप्लीकेंट जो आप, मतलब आपका PCI में, आपके स्टेट में हो सकता है, वो आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इसमें डिज़ायरेबल में है बैचलर्स मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, मतलब बी फार्मा और एम फार्मा वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, मतलब 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं, इसमें लिखी हुई है 35 ईयर्स, तो इसमें एज बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है, जिनकी एज ओवर एज हो चुके हैं वो भी इसको भर सकते हैं। मतलब जैसे कि सेंट्रल में 27 या जनरल के लिए 25 होती है, और SC ST OBC के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, बट इसमें सभी के लिए 35 ईयर्स हैं, तो ये कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करें कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपीज़ हैं, बाकी अदर्स के लिए 100 रुपये हैं। और जो SC ST एक्स सर्विस मैन है, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ IIT इंदौर, फीमेल एप्लीकेंट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। इसमें जनरल नॉन रिजर्वेशन जैसे कि उसके लिए 100 रुपीज़, अदर के लिए 200 है, मतलब जो जनरल वाले हैं उनके लिए 200 रुपये इसमें फ़ी लगेगी। अब बात करते हैं इसमें, ऑल्दो इसमें सिलेबस वगैरह अभी कुछ नहीं दिया है, तो हाँ इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो एग्ज़ाम के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा आपका, तो इसमें एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करिए। और इसमें सिलेबस अभी दिया नहीं है, तो आप जो भी आपका बी फार्मा का सिलेबस होगा या डी फार्मा का सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आप प्रीवियसली जो IIT इंस्टीट्यूट ने फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली हैं उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं उन्होंने क्या दिया था, तो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस ही होता है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।